हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा होता है उसके लिए बेहतरीन चार्जर कौन सा है। और यहाँ पे देखिए, ये 45 वाट का PD अडेप्टर है मेरे पास। अब जो है ये मैंने परचेस किया था। अब इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स रहेगा ना वो मैं नीचे अपडेट कर दूँगा। यहाँ पर देखिएगा, ये है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। अभी इसे चार्ज करने के लिए स्पेशल चार्जर लगते हैं एंड ये जो है 45 वाट्स का PD अडेप्टर वाला चार्जर है जो मैंने ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है। तो अगर आपको भी ये वाला चार्जर लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। अब जो है, अगर मान लो ये वाला प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं उसके काउंटर लिंक, मतलब कि दो तीन अलग अलग लिंक्स भी दे दूंगा जो इससे रिलेटेड रहेंगे। ओके, मतलब 45 वाट अडेप्टर से ही रहेंगे एंड ये इसे चार्ज करते हैं। अभी भी मैंने इसे चार्जिंग को लगा करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखो चार्जिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ऐसा है। एंड अगर आप इसे परचेसिंग करना चाहते हो या फिर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका अडेप्टर भी दिखा देता हूँ कि अडेप्टर इसका कैसा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अडाप्टर को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। फिलहाल तो उसे चार्जिंग को लगा के रखा हुआ था मैंने। यहाँ पे देखिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको इसका अडाप्टर मिल जाता है। अडाप्टर के ऊपर क्या लिखा गया है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अडाप्टर के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है सुपर फास्ट चार्जिंग। ओके, एंड पीछे की साइड से थोड़ा बहुत इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है सैमसंग रिलेटेड। ओके, आउटपुट वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा 45 वाट का। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसे परचेसिंग करना चाहते हो, अब देखिए इसका वायर भी काफ़ी बड़ा है, लगभग 2 मीटर का वायर है, 6 फीट का वायर है इसका। अब मैं इसे चार्जिंग को लगा देता हूँ डाउन साइड में एंड आपको यहाँ पे पता चलेगा कैसा ये दिखाता है चार्ज होने वक्त। ये देखिए, इसे अभी मैंने जो है चार्जिंग में लगा दिया है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले शो हो जाता है 92% एंड सुपर फास्ट चार्जिंग। ओके, तो अगर आप इसे परचेसिंग करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।